आयोटा की क्लासिफिकेशन आप लोगों को आनी चाहिए। आयोटा है इंटरनेशनल ओवेरियन ट्यूमर एसोसिएशन। इंटरनेशनल ओवेरियन ट्यूमर एसोसिएशन ने एक क्लासिफिकेशन दी थी बी रूल एंड एम रूल, ये देखने के लिए कि जो डिजीज बन रही है एडनेक्सल या ओवेरियन वो बिनाइन है या मिलिग्नेंट है। बी रूल इज फॉर बिनाइन डिजीज, एम रूल इज फॉर मिलिग्नेंट डिजीज। बी रूल के अकॉर्डिंगली अल्ट्रासाउंड पे कुछ फाइंडिंग्स आती हैं, जैसे यूनिलोक्युलर सिस्ट है, प्रेजेंस ऑफ सॉलिड कंपोनेंट लेस देन 7 मिलीमीटर्स, प्रेजेंस ऑफ अकूस्टिक शेडोइंग, स्मूथ मल्टीलोक्युलर ट्यूमर विद द लार्जेस्ट डायमीटर लेस देन 10 सेंटीमीटर एंड नो ब्लड फ्लो। अगर ये सारी फाइंडिंग्स अल्ट्रासाउंड पे आ रही हैं तो दिस इज अ बिनाइन नेचर डिजीज। एम रूल के अकॉर्डिंगली अल्ट्रासाउंड पे क्या फाइंडिंग्स आती हैं? इरेगुलर सॉलिड ट्यूमर एसआईटीज, 4 papillary projections, irregular multilocular solid tumor with largest diameter more than 10 centimeter and very strong blood flow. ये बातें अगर आती हैं तो this is a malignant disease.